सो एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स से रिलेटेड आप सभी लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम अपनी यूट्यूब वीडियो को एक्सटर्नली शेयर करते हैं यूट्यूब के बाहर अदर प्लेटफॉर्म पर या अदर सोशल मीडिया एप्स पर, तो इससे जो हमारा एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में काफी सारे लोगों को टेंशन होती है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, या फिर अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका हमारे यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो आज की इस वीडियो में मैं जो है आप सभी को यही सारी चीजें बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को यह भी बताऊंगा कि आपको अपनी YouTube वीडियोस को जो है वो किस तरह से शेयर करना चाहिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो, मेरा नाम है रिको, आप देख रहे हैं टेक रिको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप YouTube के अलावा, YouTube के बाहर अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर अपनी YouTube वीडियो का लिंक शेयर करते हो, इवन अगर आपकी YouTube वीडियो Google सर्च के रिजल्ट में भी आती है, तो वहां से भी अगर आपके YouTube वीडियो पर ट्रैफिक आता है तो वो भी जो है वो आपका ट्रैफिक जो है वो एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स में ही काउंट होगा। तो कई बार इस रीजन की वजह से भी जो है वो काफी सारे यूट्यूब चैनल का जो ट्रैफिक सोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार जब एसईओ करते हैं तो उनकी जो यूट्यूब वीडियो है वो यूट्यूब पे रैंक ना होके गूगल के सर्च इंजन पे रैंक हो जाती है और वहां से जो है वो उनको काफी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो भी वीडियो है वो चाहे गूगल के सर्च रिजल्ट में आए या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हो, अगर वहां से कोई भी बंदे आपकी यूट्यूब वीडियो पर आते हैं, वो आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं और वो आपकी वीडियो को देखते हैं, आपको थोड़ा बहुत भी अगर वॉच टाइम देते हैं, तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। गलत यहाँ पर तब हो जाता है जब आप अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक कहीं पे शेयर करते हैं और वहां से लोग जस्ट आपकी वीडियो को क्लिक तो करते हैं बट तुरंत ही वो एंटर होकर थोड़ी देर बाद जो है वो वहां से वापिस आ जाते हैं। तो ऐसे में आपकी वीडियो पर जो है वो कहीं ना कहीं वो जस्ट व्यू काउंट बढ़ जाता है लेकिन ना तो उसका वॉच टाइम काउंट होता है और कुछ टाइम बाद जो आपका व्यू काउंट बढ़ा था वो भी कुछ टाइम बाद जो है वो वहां से डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि देखिए मोनेटाइजेशन से पहले तक तो इसका यूट्यूब चैनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर इस तरह के व्यूज आपके यूट्यूब चैनल पर आते भी हैं तो वो व्यूज जो है वो यूट्यूब खुद ही डिक्रीज कर देता है, वो व्यूज ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और साथ ही उनका जो वॉच टाइम है वो भी इतना कम होता है कि इतना कम वॉच टाइम जो है वो भी आपकी यूट्यूब वीडियो पर एड होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन से पहले कोई खास दिक्कत तो नहीं होती है बट मोनेटाइजेशन के बाद इसका जरूर एक बैड इफेक्ट पड़ता है आपके यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा गूगल के सर्च रैंक से जो भी आपको व्यूज आते हैं वो तो टोटली वैलिड होते हैं और जो भी गूगल सर्च रैंकिंग से आपकी वीडियो पर आएगा वो आपकी वीडियो को कंप्लीटली वॉच भी करेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी वो टॉपिक सर्च किया था, उसे वो वीडियो मिली और इसीलिए वो आपकी वीडियो को जरूर से देखेगा। तो वो व्यूज भी काउंट होगा और वहां पर जो आपका वॉच टाइम है वो भी कंप्लीटली काउंट होगा। सो अब बात करते हैं कि आपकी वीडियो को जो है आपको, अगर आपका यूट्यूब चैनल अभी नया है और आपके यूट्यूब चैनल पर अभी व्यूज नहीं आते तो आपको अपनी यूट्यूब वीडियो किस तरह से शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके जान पहचान के लोग होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं उनको आप जो है वो कम से कम वीडियो शेयर करें। अदरवाइज ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारे जान पहचान के या फिर जो फ्रेंड्स होते हैं वही अक्सर ऐसी चीजें करते हैं कि हमारी वीडियो पर क्लिक तो कर देते हैं बट हमारी वीडियो को बिना देखे तुरंत ही वहां पर से जो है वो वापिस आ जाते हैं। ऐसे में उनका व्यूज और उनका वॉच टाइम किसी काम का नहीं होता है। तो मेक श्योर रखें आप जहां कहीं भी अपनी YouTube वीडियो का लिंक शेयर करें, चाहे वो कोई सोशल ऐप हो या WhatsApp हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आप अपना वीडियो का लिंक शेयर करने से पहले उसकी पूरी जानकारी अपनी लिंक के साथ ही शेयर कर दें कि आपका वीडियो कैसा है, किस बारे में है और क्या क्या चीजें आपने उसमें बताई है। तो जो इंटरेस्टेड होगा केवल वही वो चीजें पढ़ने के बाद आपकी वीडियो का लिंक जो है वो उस पर क्लिक करेगा और आपकी वीडियो को देखेगा। अदरवाइज वो आपका जो भी आपने जो चीजें वहां पे लिखी होगी वो उसको पढ़ के ही आपके मैसेज को इग्नोर कर देगा, जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। तो कोई अगर आपकी वीडियो के लिंक पर अगर वो क्लिक करता है तो फिर जरूरी है कि वो आपकी वीडियो को देखे भी, एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो देखे। अदरवाइज अगर वो सिर्फ क्लिक करके बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। सो वीडियो कैसे लगी आपको मुझे जरूर बताएं, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।